जय जोहार दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों के बाद दोस्तों मैं कैमरे पे आया हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो शिव संकल्पना है, जो शिव शंकर महादेव महाकाल महाडोम जो कहा जाता है, उसको गोंड लोग तो अपना आराध्य दैवत मानते हैं, अपना राजा मानते हैं, लेकिन इस बात को बहुत सारे लोग मानते नहीं हैं। देखिए फैक्ट होता है तो उसको चेक करना पड़ता है, और ये बहुत सारी तर्क है, कुछ तर्क मिलते हैं तो कुछ तर्क नहीं मिलते। तो फिर क्या आदिवासी इनको अपने त्योहारों में भी लेते हैं? क्या आदिवासी लोग जो गोंड लोग हैं वो क्या शंभूसेक को यानी जिस महादेव को क्या अपने उस बड़े त्यौहार को मनाते हैं जो शंभू गौरा के लिए बनाया गया हो? बहुत सारे सवाल, तो इस सवाल का जवाब आपके वीडियो में मिल जाएगा। कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा और वो फैक्ट्स आचार्य मोतीराम कंगाली साहब के गोंडी पुण्यम दर्शन इस किताब से लिया गया है। फिर भी वो किताब में तो लिखा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, क्योंकि एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों शंभूसेक को अगर हम ले तो पहला एक सवाल है कि सच में अगर शंभूसेक गोंडियन थे तो उनको बदला गया है, लेकिन क्या गोंडियनों में इतना बड़ा महत्व दिया गया है? ये पहली बात। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि आप अगर पचवड़ी में अगर जाते हो, जिसको गोंडी में पेंक मेडी कहा जाता है, महाराष्ट्र में महादेव को जा रहे ऐसा बोला जाता है, तो वहाँ पे अगर आप जाते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक यह आदिवासी गोंड समुदाय से मिलेगी। देखिए बाकी समाजों का, बाकी धर्मों का क्या है शिव के बारे में क्या कहानी है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन गोंडियन संस्कृति में उनके रेला पाटा ये जो प्राचीन है, 10,000 साल पहले से गाते आ रहे वो लोग, वो ही गाते चले जाते हैं, रास्ते में भी गुनगुनाते हुए वो पाटे चलते हैं। और वहाँ पे शंभूसेक की जब उनसे मुलाकात होती है तो फिर आने के बाद वो अपने घर में एक त्यौहार मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब महादेव से मिलने के बाद वो उनके थाना से अपने घर आने के बाद वो भी एक बड़ा त्यौहार करते हैं। सबसे बड़ा त्यौहार तो आपको शंभू नर का मिल जाएगा, जिसको महाशिवरात्रि कहा जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि गोंडी में नहीं कहा जाता, उसको शंभू नर का कहा जाता है। अभी क्या नरका यानी रात होती है और शंभू यानी हमारे शंभूसेक, तो आप समझ सकते हो कि जो महाशिवरात्रि है उसमें भी बहुत बड़ा जागरण होता है। यहाँ पे जहाँ पे भी शिव गौरा जो पिंड है, जो शंभू गौरा पिंड है, उस पिंड जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे गोंगो किया जाता है। दोस्तों एक दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है ये भी है, लेकिन एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे हम कहते हैं होली। अभी आप बोलोगे कि भाई साहब आपने होली पे एक वीडियो बनाया था, वो होलिका का दहन हुआ था। देखिए आदिवासी संस्कृति एक किताब में, एक मुट्ठी में, एक बात में नहीं आ सकती। आदिवासी कल्चर धीरे धीरे बटा और धीरे धीरे प्रगत हुआ, लेकिन इस समुदाय में हर तरह के जुल्म हुए, उस जुल्म को याद रखने के लिए एक एक बात भी सामने आई। तो दोस्तों देखिए होली जब मनती है गोंडियनों की, उसको शिमगा कहा जाता है। अभी आप नहीं सुनते तो किसी गाँव में जाइए और बताइए कि होली को क्या कहा जाता है, तो शिमगा कहा। शिमगा क्यों कहा जाता है? शिमगा को अगर फोड़ दो तो उसका एक मीनिंग निकलता है शिवम गौरा। क्या निकलता है? शिवम गौरा, शिव गौरा का वो त्यौहार है। तो इस त्यौहार को अगर जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले ये सोचना पड़ेगा कि क्या होता है। देखिए कुछ लड़के गाँव के मिलकर एक जगह आते हैं, मीटिंग बनाते हैं, मीटिंग में सलाह मशवरा लेते हैं बड़ों का, और गाँव के जो पूर्व दिशा में होली जलाई जाएगी, गांव के पूर्व दिशा में होली जलाई जाएगी, तब वो लड़के गांव से इर्द गिर्द जमा होकर, कोई अपने घर से लकड़ी देता है, लकड़ियाँ इकट्ठा होती है उस स्थल पे जहाँ पे होली जलाई जाने वाली है। ठीक है, होली जलाई जाने वाली जो स्थल है उस पे लकड़ियाँ इकट्ठा होने के बाद आपके घर में अगर गाय होगी बैल होगा तो उसका गोबर निकलता है, हम खाद पे फेंक देते हैं उसको, लेकिन होली के दिन या होली के पहले 4-5 दिन पहले उसके गवरिया बनाए जाते हैं, मराठी में उसको गवरिया बोलते हैं। देखिए गोबर की गवरी, उसको सुखाया जाता है, सूखने के बाद एक पत्थर सरीका वो बन जाता है गोबर का, और उसके बाद जब होली जलने के दूसरे दिन बाद सवेरे ये सभी गवरिया जो है वो आग में डाली जाती है। आग में डाली जाने के बाद वो जब जल जाती है तब उसकी जो राख होती है ना, वो राख अपने अपने घर ले जाते हैं। उनका एक कहना है कि कभी कोई प्रॉब्लम आए, बुखार आए, कुछ भी आए तो ये काम में आता है। ये गौरी की जो राख है ये यूज़ की जाती है, उसके बाद रंग भी खेले जाते हैं। डॉक्टर मोतीराम कंगाली साहब ने कहा है कि गोंड समुदाय का इतिहास थोड़ा सा अलग है, उसको समझने के लिए हमें विज्ञानवाद बीच में लाना पड़ेगा। दोस्तों जब कंगाली साहब का किताब पढ़ा तब ये भी समझ में आया
कि शंभूसेक एक पदवी थी, एक राजा थे तो एक पदवी थी, उस पदवी का दावेदार जो भी है, जो शंभूसेक बनने वाले हैं, उनको भी कुछ शर्तें थी। वो शर्त ये थी कि सभा सगा समभाव रखने वाला वो राजा हो, और दूसरी बात यह है कि उसको जोग और तंद्री, यह दो विद्या में वो प्रवीण हो। और इसका एक मतलब होता था, जोग और तंद्री में जो प्रवीण होता था उसकी प्रजा में कोई दूसरा आदमी घुस नहीं सकता था, उसके प्रजा को तोड़ नहीं सकता था। इसका उल्लेख भी गोंडी कोया पुनिम दर्शन में है। हालांकि अगर हम जानेंगे तो आप भी कह सकते हैं कि विद्या से आदमी कैसे कुछ क्या कर सकता है, लेकिन बात ऐसे भी हो कि वो जो शंभूसेक हो वो अपने लोगों को इतना टाइट रखता हो कि प्रजा में कोई दूसरा आदमी आ ही नहीं सके। तो ये प्लानिंग की बात है। धीरे धीरे हमें जब हम सोचने लगेंगे विज्ञानवाद पर तो धीरे धीरे अपने अपने दरवाजे खुलते जाएंगे। तो फिलहाल इस टॉपिक पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखिए, जब शंभूसेक थे तो इसके लास्ट जोड़ी शंभू पार्वती कहा जाता है, लास्ट जोड़ी शंभू पार्वती कहा जाता है। और पार्वती जो है वो कोयतूर नहीं थी, वो दक्ष कन्या थी। क्या वो दक्ष कन्या थी? और वो आके पार्वती को इसके लिए भेजा गया था कि शंभूसेक को वश में करे, जैसे कि हिरण्यकश्यप के बारे में, हिरण्याक्ष के बारे में यूज़ किया गया ना, एक लड़की को छोड़ा गया, तो यही बात शंभूसेक के साथ दोहराई गई थी। मेरे ख्याल से शंभूसेक का काल इसके भी पहले है, तो शंभूसेक के साथ यह बात कपट नीति हम कह सकते, पार्वती को भेजा गया, लेकिन बात ऐसी हुई कि पार्वती उनको वश नहीं कर पाई और पार्वती के साथ उन्होंने विवाह किया। देखिए दोस्तों, मद्यपान से किसी राजा को वश करना और उसके साथ अनन्य प्रकार करना, तो यह बात कंगाली साहब ने लिखी है कि लास्ट शंभूसेक के साथ जब शंभू पार्वती थे तब पार्वती उनको वश नहीं कर पाई, यहाँ तक उन्होंने लिखा है। उसके बाद ये कहा कि जब उनके घरवालों को, पार्वती के घरवालों को ये लगा कि लड़की वश नहीं कर पाए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था विषकन्या जैसे और अन्य कन्या भी तैयार किए गए थे कि बाकी राजाओं को भूलने के लिए, भुलाने के लिए, समझ गए आप? तो पार्वती नहीं भुला पाई, तो उनके पिता ने अपने घर में यज्ञ रखा। शंभू को आमंत्रित नहीं किया गया, पार्वती को आमंत्रित किया गया, इसलिए शंभू का जाना उनको उचित नहीं लगा और शंभू नहीं गए और पार्वती वहाँ पर चली गई। बहुत बड़ी बहसबाजी हुई और पार्वती ने कह दिया कि मैं उनको वश नहीं कर सकती, वो अच्छे इंसान हैं, और फिर पार्वती को उस यज्ञ में ढकेला गया। अभी आप ये छोड़ेंगे तो राजेंद्र बाबू ढोके, वेंकटेश रावतराम, इनकी किताब में एक थोड़ा सा हमें नज़र आता है, महिषासुर दर्शन में भी हमें नज़र आता है कि यज्ञों में प्राणियों को भी डालना शुरू था उस काल में, यज्ञों में आहुति देना। और इसका ही विरोध यहाँ के मूल्यवासी राजा करते थे, यज्ञों में क्यों अनाज भंडार प्राणियों को डालते हो? तो ये भी पॉसिबल है कि शंभू जो पार्वती हैं उनको धकेला गया। धकेलने के बाद जब ये शंभू को पता चला तो ऑब्वियसली जो पंचखंड के राजा है उनकी सत्ता तो कुछ कम नहीं थी, उन्होंने धाबा बोला और उस महल को जलाया जहाँ पे ये सब काम हुआ। वो क्रोधित होंगे और सभी को लगता है कि वो क्रोधित, किसी भी आदमी, कोई अपने आदमी को जलता हुआ देखे तो वो क्रोधित हो जाएगा। तो गोंडियन समाज में ये क्या है? अगर हम ये दोनों बातों को देखें अच्छी तरह से तो हमें ये समझ में आता है कि जब होली जलाई जाती थी, लकड़ियों की होली जलाई जाती, तो एक आदमी त्रिशूल से, अभी त्रिशूल तो नहीं है बहुत सारे गाँव में, लेकिन लाठी से उठ लकड़ियों को इधर उधर ढकेलता है। ये भी एक प्रमाण है कि वो लोग कहते हैं, गोंडियन लोग अपने पाटाओं में कहते हैं कि जो शंभू ने त्रिशूल से, समझ रहे आप, हाथ में त्रिशूल लेकर वो जलाया है, उनका पूरा साम्राज्य जलाया है, तो ये बात भी है कि वो लकड़ी से करते हैं। आपको पता है गोबर के थापे हुए उस बात को गौरी क्यों कहा जाता है? शंभू गौरा का ही नाम क्यों दिया जाता है? आज भी ये 88 जोड़ी में से शंभू गौरा यह फेमस नाम है, और इसलिए शिमगा शिवम गौरा, शिमगा शिवम गौरा, बनो रियाल फो दायफो, यह भी बात होली में गुण लोग कहते हैं। शिव गौरा जोहार जो, यही भी शब्द वो लोग यूज़ करते हैं। अबे ये तो हमने उनको बोला नहीं है कि हमको शिव को प्रेजेंट करना है, इसलिए आप ये शुरू करो। हर स्टेट में, हर एरिया में थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन कंटेंट ये है कि शिव गौरा की याद में होली को पूजा जाता है। और आज भी गौरी की जो राख है वो हर गोंड के घर में मिलेगी, उसको पूछिए ये कहाँ की है तो वो बोलेंगे पिछले साल की होली की राख आज तक है। वो कहते हैं कि किसी को बुखार आ गया तो माथे पे लगाएंगे हम लोग, ऐसा उनकी धारणा है, क्योंकि शिव गौरा की है वो राख। तो ये जो बातें हैं, अगर इनमें से थोड़ा सा हम मैसेज बाजू करें
और वैज्ञानिकता देखें तो ऐसा क्यों कि गोंड समाज दावा तो कर रहा है लेकिन हजारों सालों से जो सन त्योहार चलता आ रहा है वो त्योहार में भी इनका इतिहास है। अगर इनका इतिहास त्योहार में मिलता है तो कुछ ना कुछ सच है भाई। अगर सच है तो क्यों शंभू सेक को अपोजिट करके दिखाया गया? क्यों शंभू सेक को त्रिशूलधारी वो मार रहे, किसी को क्रोधिष्ट है त्रिनेत्र दिखाया गया क्यों? अगर ये सवाल हमें हमारे मन में आए तो ऐसा है कि हमारे राजा को भगवान बना देने से राजा ने जो विचारधारा छोड़ी है वो खत्म हो जाएगी और हम मन्नत बोलेंगे, हम उनको भगवान समझेंगे और कहेंगे कि फोटो से निकल के एक बार मेरे सामने आ जाएंगे। ये धारा गलत है। तो इसलिए आपको समझाना है कि शंभू सेक जो राजा थे वो कोई दैवी शक्ति वाले आदमी नहीं थे, मुंद शूल शरीर, लेकिन उन्होंने इस बात का ज्ञान लिया था कि ये जो आपका शरीर है इसमें इतनी सारी पावर है, इसको एक्टिव करना ज़रूरी है। इंसान से इंसान बनाना है तो इसको एक्टिव करना जरूरी है। इसलिए तीन मार्ग हैं, शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक मार्ग, जिसको गोंडी में मुंदिशूल शरीर कहा जाता है। इसके स्टेप भी है, मैं क्लियरली आपको धीरे धीरे समझाता जाऊँगा। लेकिन अगर शंभू सेक का उल्लेख गोंडियनों में होता है तो उनके त्यौहार भी होते हैं। तो दोस्तों इस बात को समझिए और आने वाले पीढ़ी को भी यह बात समझाइए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो बहुत सारे लोगों में शेयर कीजिएगा, बहुत सारे लोगों के घर बैठे यह थॉट क्लियर हो जाएंगे। इसके बारे में अगर कोई भी किताब चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है परमानेंट, वहाँ पे प्रकाश सलामी सर का नंबर दिया गया है। आप जाइए, उस नंबर को लीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए उनसे और जो किताबें आपको चाहिए वो आपके घर तक पहुँच जाएगी बिना कुछ किए। तो ये किताबें भी पहुँचेंगी और आपको पढ़ना भी आएगा और इतिहास भी समझना आएगा। और जिस दिन आप ये सभी किताबें पढ़ लेंगे ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ राहुल कन्नाके का वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, उतना ज्ञान आप में आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय द्वसी, जय गोंडवाना, जय भीम।